हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। हमने शुरू की है यूनिट अपनी एडवांस्ड मटेरियल। तो एडवांस मटेरियल के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे जो भी मटेरियल्स थे जिसके अंदर हमने बात की थी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। जो भी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर एस्बेस्ट होंगे, इसके अलावा ग्लास वूल होगी, थर्मोकोल्स होगी, तो इन तीनों के बारे में हमने बात की थी इसके अंदर हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट हमने टॉपिक शुरू किया था हमारे सेरामिक्स के बारे में कि सेरामिक्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन या फिर बोल सकते हो टाइप्स ऑफ सेरामिक्स कि कौन कौन से हमारे सेरामिक्स होते हैं, जिनके अंदर आपको बताया था कि चार तरह के हमारे सेरामिक्स रहेंगे। सबसे पहले क्ले होगा, सेकंड नंबर पे ग्लास, थर्ड नंबर पे एब्रेसिव और फोर्थ नंबर पे होंगे रिफैक्टरीज। तो अभी तक हम दो हमारे सेरामिक्स के बारे में बात कर चुके हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। सबसे पहले बात की थी क्ले के बारे में, नेक्स्ट हमने बात की ग्लास के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में किसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सेरामिक्स या फिर बोल सकते हो टाइप्स ऑफ सेरामिक। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या है, एब्रेसिव। तो देखिए एब्रेसिव क्या है, एब्रेसिव एक तरह से जैसे अपने जब हमने ग्राइंडिंग यूनिट की थी तो ग्राइंडिंग यूनिट में बात की थी कि एब्रेसिव क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जिससे हम ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए यूज करते हैं, जो भी कटिंग हमारे टूल्स होते हैं उनको तैयार करने के लिए। तो एब्रेसिव के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए हार्ड मटेरियल। एब्रेसिव क्या है, हार्ड मटेरियल है विच इज यूज्ड इन ग्राइंडिंग एंड कटिंग, जिसका यूज हम ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रेसिव। कि इट इज ए हार्ड मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड एब्रेसिव, जिसका यूज ग्राइंडिंग एंड कटिंग, जिसका यूज हम ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए करते हैं, हार्ड मटेरियल है उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, एब्रेसिव बोलते हैं। ठीक है जी, नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक, दोनों तरीके से होगा, नेचुरल भी मिलेगा और सिंथेटिक भी मिलेगा जिसको आर्टिफिशियल बोल देते हैं। तो अब देखिए एब्रेसिव के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए हार्ड मटीरियल विच इज यूज फॉर, इट इज ए हार्ड मटीरियल, इट इज ए हार्ड मटीरियल विच इज, इट इज ए हार्ड मटीरियल विच इज used for, which is used for grinding and cutting, which is used for grinding and cutting, कि जिसका use हम grinding and cutting के लिए कर सकते हैं, is known as abrasive, तो उसको हम क्या बोल देंगे, is known as abrasive, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा abrasive, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, abrasive। तो एब्रेसिव के बारे में पता लगा कि एब्रेसिव, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक, दोनों तरीके से हो सकता है, नेचुरल भी होगा और सिंथेटिक भी। इट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक, इट इज नेचुरल, इट इज नेचुरल कि नेचुरल भी होगा, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, सिंथेटिक। इट इज नेचुरल लाइक, जिस तरह से डायमंड होता है, इट इज नेचुरल लाइक डायमंड, लाइक डायमंड, गार्नेट एटसेट्रा। तो अगर जैसे डायमंड है, गार्नेट है, तो इसकी तरह ये क्या हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है, यानी कि नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक होगा, और सिंथेटिक, सिंथेटिक जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो इस तरह से हमारे सिंथेटिक भी होंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंथेटिक लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये क्या होंगे, इनको हम बोल देंगे एब्रेसिव, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एब्रेसिव। तो एक बार देख लीजिए फिर से स्टार्टिंग से हमने क्या बात की, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सेरामिक्स थे जिसके अंदर चार प्रकार के हमारे सेरामिक्स रहेंगे, फर्स्ट हमारा क्ले होगा, सेकंड हमारा क्या रहेगा, ग्लास, थर्ड एब्रेसिव, फोर्थ रहेगा रिफैक्टरीज। तो दो हमारे जो टाइप्स ऑफ सेरामिक्स थे उनके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे, आज हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड पार्ट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सेरामिक्स के अंदर, वो होगा एब्रेसिव। तो एब्रेसिव क्या है, इट इज ए हार्ड मटेरियल, एक हार्ड मटेरियल है जिसका हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए, कि इट इज ए हार्ड मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड कटिंग। इसके अलावा इट इज नेचुरल, नेचुरल होता है लाइक डायमंड, गार्नेट, और सिंथेटिक भी होगा जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो ये हमारे लिए क्या रहेंगे, इनको हम बोल देंगे एब्रेसिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ सेरामिक्स के अंदर, तो वो रहेगा रिफ्रैक्टरीनेस। ठीक है, रिफ्रैक्टरीनेस बोल सकते हो या रिफ्रैक्टरीज,
ठीक है, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, रिफ्रैक्टरियस। तो शुरू करते हैं, तो फोर्थ नंबर पे जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा रिफ्रैक्टरीज। ठीक है, रिफ्रैक्टरीज। तो अब देखिए रिफ्रैक्टरीज के अंदर जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा रिफ्रैक्टरीज के अंदर कि द नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, ये क्या है एक तरह से नॉन मैग्नेटिक, जो हमारा नॉन मेटेलिक पार्ट है, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज ए नॉन मेटेलिक पार्ट या फिर इट इज ए नॉन मेटेलिक मटीरियल, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो कि विदस्टैंड रहता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, कि अगर हम बात करें कोई हमारा हाई टेम्परेचर है उस हाई टेम्परेचर के ऊपर भी विदस्टैंड है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, चाहे टेम्परेचर कम है चाहे टेम्परेचर ज्यादा है, हमने इंक्रीज किया हुआ है टेम्परेचर, तो उस दौरान भी हमारी जो भी हमारी प्रोडक्ट है, जो भी हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो मटेरियल हमारे लिए कौन सा होता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरीनेस। यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी, जितना भी हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी वो विदस्टैंड रहे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, उसको बोल देंगे रिफ्रैक्टरीनेस, वो हमारा क्या होगा रिफ्रैक्टरी। तो हम लिख सकते हैं कि द नॉन मेटेलिक, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज ए नॉन मेटेलिक मटीरियल विच कैन बी विदस्टैंड हाई टेम्परेचर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कि जो हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर विदस्टैंड रहना, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस होंगी, अलग अलग ऑपरेशन होंगी, तो उन ऑपरेशन के दौरान जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा, तो उस दौरान विदस्टैंड रहना, यानी कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बने रहना, वो जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उस मटेरियल को, वो हमारा मटेरियल कौन सा कहलाता है, वो होता है रिफ्रैक्टरीनेस, वो सेरामिक्स हमारा कौन सा होता है रिफ्रैक्टरीनेस। तो हम क्या लिखेंगे, द नॉन मेटेलिक मटेरियल, द नॉन मेटेलिक, द नॉन मेटेलिक मटेरियल, द नॉन मेटेलिक मटेरियल विच कैन विदस्टैंड at high temperature at different industries process temperature in different industries process in different industries processes and operations in different industries processes and operations are known as refractoriness, उसको हम क्या बोल देंगे refractoriness, are known as refractories, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, उसको हम बोल देंगे refractories। जैसे कि फायर क्ले है, सिलिका मैग्नीज है, फायर क्ले है, सिलिका मैग्नीज है, तो ये हमारे एक तरह से क्या है रिफ्रैक्टरीज मटेरियल है। अगर हम सिलिका की बात करेंगे या फिर हम बात करते हैं फायर क्ले की, तो ये हमारे लिए कौन से होंगे, इनको हम बोल देंगे रिफ्रैक्टरीज मटेरियल। फायर क्ले सिलिका मैग्नीज, मैग्नीशिया एटसेट्रा, तो ये सारे हमारे कौन से हैं, इनको हम बोलेंगे, हम इनको क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टरीज मटेरियल की से फायर क्ले सिलिका मैग्नीज एटसेट्रा आर रिफ्रैक्टरीज मटेरियल। तो ये होगा हमारा लास्ट टाइप ऑफ सेरामिक्स, जिसके अंदर हमने बात की कि चार तरह के हमारे सेरामिक्स थे, तीन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है रिफ्रैक्टरीज। तो देखिए रिफ्रैक्टरीज के अंदर हमने क्या बात की है कि द नॉन मेटेलिक मटेरियल विच कैन विदस्टैंड एट हाई टेम्परेचर, कि कोई भी हमारा नॉन मेटेलिक मटीरियल है जो कि विदस्टैंड है हाई टेम्परेचर के ऊपर, जो कि क्या है विदस्टैंड, यानी कि एक जगह पे मेंटेन होके बना हुआ है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बात की कि कोई भी नॉन मेटेलिक मटेरियल विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर
इन डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोसेस एंड ऑपरेशन आर नोन एज रिफैक्टरी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के अंदर काफी तरह की प्रोसेसेस होती है, काफी तरह के परफॉर्म ऑपरेशंस होते हैं, जिन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं, तो उन ऑपरेशंस के दौरान टेम्परेचर के अंदर काफी तरह की इंक्रीजमेंट होती है, काफी तरह की डिक्रीजमेंट होती है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जो नॉन मेटेलिक मटेरियल हमारा विदस्टैंड रहता है वो हमारे लिए कौन सा होता है, उसको बोलते हैं रिफैक्टरी। वो हमारे लिए जैसे कि फायर क्ले है, सिलिका मैग्नीशिया है, तो ये सारे हमारे क्या है, रिफैक्टरीज मटेरियल, उनको हम क्या बोलेंगे, रिफैक्टरीज मटेरियल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक्स के बारे में, ठीक है, ये तो हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ सेरामिक्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक्स। टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक्स। तो अब देखिए काफी तरह की प्रॉपर्टीज होती है हमारे सेरामिक्स की, जिस तरह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, की चार तरह की हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, फिजिकल एंड केमिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल, चार तरह की प्रॉपर्टी होगी, कौन कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल, ऑप्टिकल सेकंड हमारी रहेगी, उसके बाद थर्ड होगी मैकेनिकल, और फोर्थ हमारी कौन सी होगी, फोर्थ रहेगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो चार तरह की हमारी क्या होंगी, प्रॉपर्टी होंगी, जिन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी रहेगी वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी कहलाएगी, उस प्रॉपर्टी को हम बोल देंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी, या फिर हम लिख सकते हैं उसको प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए जब हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, तो सेरामिक के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है, कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सेरामिक्स लाइक ऑक्साइड, कार्बाइड गिव्स केमिकल स्टेबिलिटी, कि अगर हमारे जो मटेरियल है, हमारे पास जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर हम अगर केमिकल्स हैं, यानी कि सेरामिक्स हैं, जिस तरह से ऑक्साइड है, कार्बाइड है, ऑक्साइड है, कार्बाइड है, तो इनकी वजह से हमारे मटेरियल के अंदर क्या होती है, सेरामिक्स के अंदर क्या होती है, एक तो केमिकल स्टेबिलिटी होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, और हाई स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाती है हमारे सेरामिक्स के अंदर, किसकी वजह से, अगर हमारे कंपोनेंट्स के अंदर क्या चीज है, कंपोनेंट्स के अंदर सेरामिक्स है, जैसे कि ऑक्साइड है, कार्बाइड है, तो ये क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, हाई केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनाने का काम करते हैं सेरामिक्स के अंदर, जो हम ऑक्साइड और कार्बाइड्स का यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सेरामिक्स, द कंपोनेंट्स Present in ceramics, like the component present in ceramics, like oxide, carbide, gives high chemical stability, high chemical stability. तो ये क्या करते हैं, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, हाई केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड हाई स्ट्रेंथ एटसेट्रा कि हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का भी काम कौन करते हैं, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, प्रेजेंट होती है हमारे सेरामिक्स के अंदर, जिसके अंदर ऑक्साइड और कार्बाइड होते हैं, जिनका काम क्या होता है, प्रॉपर्टी यानी कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में ऑक्साइड और कार्बाइड जो है वो क्या करते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग को बनाते हैं, हाई स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड हमारे रहेगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे हमारे पास रहेगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं,
कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ सेरामिक्स एंड इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उस चीज पे डिपेंड करती है हमारे सेरामिक्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सेरामिक्स, की सेरामिक्स की कंपोजिशन कैसी है एंड इट्स स्ट्रक्चर, और जो उसकी स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किसी भी सेरामिक्स की। तो हम लिखेंगे ऑप्टिकल, इट इज डिपेंड ऑन, इट इज डिपेंड ऑन, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ये किस पे डिपेंड है, इट इज डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ सेरामिक्स एंड इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इस चीज पे डिपेंड करेगी, जो भी हमारा क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और सेरामिक्स की कंपोजिशन है, तो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी जो भी रहेगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात कर लें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। चार तरह की प्रॉपर्टीज हैं, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड हमारी रहेगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि सेरामिक्स मटेरियल आर यूजली आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डेड मटेरियल, कि जो भी हमारे मटेरियल होते हैं जो हम यूज करते हैं सेरामिक्स के तौर पे, तो वो आयोनिक या फिर कोवलेंट बॉन्डेड मटेरियल होते हैं, इसलिए वो किसके अंदर आ जाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, सेरामिक्स मटेरियल्स आर आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक और कोवलेंट, और कौन सा होगा कोवलेंट बॉन्डेड मटेरियल्स। तो ये हमारे किसके अंदर आएंगी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। लास्ट हम इसी के अंदर यहां पे बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा फोर्थ रहेगा, वो हमारा कौन सा होगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, वो इलेक्ट्रिक या फिर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑक्साइड सेरामिक्स आर इंसुलेटर एंड नॉन ऑक्साइड सेरामिक्स एक्ट एज सेमीकंडक्टर, कि जो भी हमारे ऑक्साइड सेरामिक्स होते हैं वो तो एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं, लेकिन जो नॉन ऑक्साइड हमारे सेरामिक्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर के तौर पे काम करते हैं। कि जो भी हमारे ऑक्साइड सेरामिक्स होंगे, ऑक्साइड सेरामिक्स, ये तो काम किस चीज का करेंगे इंसुलेटर का, ऑक्साइड सेरामिक्स आर इंसुलेटर्स बट नॉन ऑक्साइड सेरामिक्स आर सेमीकंडक्टर। तो वो काम किस चीज का करेंगे, वो काम करेंगे सेमीकंडक्टर का। तो यहां देखिए ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक्स। तो चार तरह की हमारी प्रॉपर्टीज रहेंगी सेरामिक्स की, कौन कौन सी, फिजिकल, फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेकंड रहेगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, थर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ हमारी रहेगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, फर्स्ट हमारी कौन सी थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा कि द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सेरामिक्स लाइक ऑक्साइड एंड कार्बाइड, कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स है सेरामिक्स के अंदर उसके अंदर क्या होगा सेरामिक्स प्रेजेंट होगा ऑक्साइड एंड कार्बाइड की फॉर्म में, जो कि काम क्या करता है केमिकल स्टेबिलिटी का, केमिकल बॉन्डिंग का और हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो हम यूज करेंगे सेरामिक्स ऑक्साइड और कार्बाइड। नेक्स्ट हमने बात की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ सेरामिक्स एंड इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कि जब भी बात करेंगे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करेगी हमारे सेरामिक्स की कंपोजिशन पे और जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उस चीज पे डिपेंड करेगी हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमने बात की मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखा कि सेरामिक्स मटेरियल आर आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डेड मटेरियल, कि
मैकेनिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तो जो भी हमारे सेरामिक्स मटेरियल है वो आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डेड मटेरियल होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में बात की कि जो भी हमारे ऑक्साइड सेरामिक्स होंगे वो तो सारे क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, लेकिन जो नॉन ऑक्साइड सेरामिक्स होंगे उनको हम वो काम करेंगे किस तौर पे, सेमीकंडक्टर के तौर पे काम करेंगे। तो वो हम ये हमारी क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक्स। ये क्या होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक्स। तो यहाँ पे आपका सेरामिक्स का टॉपिक खत्म होता है, जिसके अंदर हमने बात की कि सेरामिक्स क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेरामिक्स की बात की, जिसके अंदर चार तरह की हमारी क्लासिफिकेशन होंगी, क्ले, ग्लास, उसके बाद एब्रेसिव और रिफैक्टरीज। नेक्स्ट हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक्स, जिसके अंदर तीन चार तरह की हमारी प्रॉपर्टीज रहेंगी सेरामिक्स की, कौन कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा रिफैक्टरीज मटेरियल। नेक्स्ट हमारा होगा रिफैक्टरी मटेरियल। अभी हमने इसके बारे में बात की है, एक बार फिर से बात करते हैं रिफैक्टरीज मटेरियल्स। वो तो हमने बात की थी रिफैक्टरीज के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ सेरामिक्स के अंदर। अब एक हमारा अलग से टॉपिक बनता है यूनिट के अंदर, वो होगा रिफैक्टरीज मटेरियल क्या होता है। तो देखिए रिफैक्टरी मटेरियल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द मटेरियल व्हिच आर यूज्ड फॉर लाइनिंग द फर्नेस हैरार एंड ड्रायर। कि जो मटेरियल एक तरह से तो ये हार्ड मटेरियल होगा जिसका हम यूज करेंगे लाइनिंग करने के लिए, जो भी हमारी फर्नेसेस है, हैरार है, ड्रायर्स हैं, उनकी लाइनिंग करने के लिए हम यूज करते हैं रिफैक्टरी मटेरियल्स का। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम इनकी लाइनिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम मोल्टन मेटल का यूज करते हैं तो वो क्या होती है, मोल्टन मेटल हाई टेम्परेचर के ऊपर हम मेटल को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान की हमारी जो लाइनिंग है, जो हमारी फर्नेसेस है, तो उसकी साइडेस वगैरह जो भी फर्नेस है वो पिघले ना, वो विदस्टैंड रहे हाई टेम्परेचर के, क्योंकि हमारी फर्नेस है, फर्नेस के अंदर हमने लाइनिंग की हुई है रिफैक्टरीज की। अगर हम लाइनिंग नहीं करेंगे रिफैक्टरीज को तो मेटल को मेल्ट करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो वो विदस्टैंड नहीं रहेगी, उनके अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा, डिक्रीजनेस यानी कि कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह उसी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे कि रिफैक्टरीज मटीरियल का यूज करेंगे, रिफैक्टरी मटीरियल का हम क्या करेंगे यूज करेंगे, वो हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि द मटीरियल विच आर यूज्ड फॉर लाइनिंग, द मटीरियल विच आर द मटीरियल विच आर द मटीरियल विच आर यूज्ड फॉर द मटीरियल विच आर यूज्ड फॉर लाइनिंग द विच आर यूज्ड फॉर लाइनिंग, जिसका हम यूज किस लिए करेंगे, लाइनिंग करने के लिए, किनकी लाइनिंग, जो फर्नेस है, द मटेरियल व्हिच आर यूज्ड फॉर लाइनिंग द फर्नेस, जो हमारी क्या है फर्नेस है, इसके अलावा हैरार्ड है और ड्रायर्स है, हैरार्ड्स एंड ड्रायर्स एटसेट्रा, सो ताकि वो कॉन्टेक्ट में ना आए जब हम मोल्टन मेटल का यूज कर रहे हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, सो एज टू कम इन कॉन्टेक्ट, सो एज टू कम इन कॉन्टेक्ट, सो एज टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल विदस्टैंड एट हाई टेम्परेचर एंड विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड withstand high temperature, withstand high temperature, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देंगे वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो होगा refractories, उसको हम बोलेंगे refractories material, कि high temperature in the furnace, high temperature in the furnace, in the furnace is known as refractories, is known as refractories material, तो वो हमारे लिए कौन सा होगा, उस material को हम बोल देंगे refractories material। तो एक बार देख लीजिए टॉपिक हमने शुरू किया रिफैक्टरीज मटेरियल, तो रिफैक्टरी मटेरियल के अंदर हमने क्या बात की कि द मटेरियल, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज ए हार्ड मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर लाइनिंग द फर्नेस हैरार एंड ड्रायर्स,
so as to come in contact with the molten metal and withstand and high temperature. कि refractory material क्या है कि वो hard material जिसका हम use करते हैं lining करने के लिए furnace, earth और dryer की, ताकि वो contact में आ सके, किस चीज के contact में आ सके, जो हमारी molten metal है, molten metal के contact में आ सके and withstand रहे और एक जगह पे stand रहे, यानी कि स्थिर रहे, जिस position में है, जिस size and shape में उसी तरह से रहे at high temperature के ऊपर in the furnace, furnace के अंदर. तो वो हमारे लिए कौन सा होगा, उसको हम बोल देंगे refractories material. वो हमारा क्या रहेगा, refractories material. Next हम यहीं पे बात कर लेते हैं type of refractories material के बारे में. Types of refractories materials, types of refractories material की कौन कौन से refractories material है. तो तीन तरह का हमारा material रहेगा. सबसे पहले होगा acid refractories, सेकेंड रहेगा बेसिक और थर्ड रहेगा न्यूट्रल. फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, एसिड. सेकेंड हमारा होगा बेसिक और थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, थर्ड हम बोल देंगे न्यूट्रल. थर्ड हमारा कौन सा होगा, न्यूट्रल. सो तीन तरह के हमारे क्या रहेंगे टाइप्स ऑफ रिफैक्टरी के अंदर, एसिड रिफैक्टरीज, सेकेंड हमारा होगा बेसिक रिफैक्टरीज और थर्ड हमारा कौन सा होगा, न्यूट्रल रिफैक्टरी. तो ये तीन टाइप्स के हमारे पास क्या होंगे, रिफैक्टरीज के टाइप्स होंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे कि जो डोमोलाइट है, डोमोलाइट क्या होता है, जो पेरिक्लाइन होता है, ग्लास के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में, कहाँ पर यूज करते हैं, कंपोजिट्स क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए इतना काफी.